अस्सलाम वालेकुम। आजकल सब पढ़े लिखे लोग पीपीएससी के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। जो भी फेसबुक ग्रुप से मिलता है पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना और रहनुमाई के साथ पढ़ना दो मुख्तलफ रास्ते हैं। पेपर में अब साइकोलॉजिकली तरीका से सवाल पूछा जाता है। फिलॉसफी पर 5 मिनट की वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, वो देख लें, फिलॉसफी आपको कभी नहीं भूलेगी। ये वीडियो उन तमाम सवालों पर मुश्तमिल है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के आखिर में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जनरल नॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। शुरू करता हूं एजुकेशन के नजाब सवालों का सफर। निजामे तालीम की बुनियाद क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। लफ्ज फलसफा किससे माखूज है? फिला एंड सोफिया। तालीम से जिंदगी के कौन से मकासद हासिल होते हैं? एम्स। फिलॉसफी का असल मकसद क्या है? सर्च फॉर रियलिटी। देवबंद का पहला सरबराह कौन था? मौलाना मोहम्मद यकूब नानावती। देवबंद अकेडमी मुकम्मल तौर पे थी नॉन गवर्नमेंट? देवबंद तहरीक निसाब में तरमीम को बतौर इस्तेमाल किया। मोटिव, देवबंद के उलमाए कराम ने इसमें अहम किरदार अदा किया। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देवबंद को कब कायम किया गया? 1867 में। देवबंद तहरीक की नुमाया खसूसियात क्या थी? रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट। देवबंद तहरीक ने नजरअंदाज किया साइंस को। MAO हाई स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिया गया 1877 में। MAO हाई स्कूल कायम किया गया 1875 में। साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? सर सैयद अहमद खान ने। MAO कॉलेज को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तरक्की कब दी गई? 1920 को। अलीगढ़ तहरीक का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? पॉलिटिकल ट्रेनिंग। अलीगढ़ तहरीक का बड़ा मकसद किसको फरोग देना था? साइंटिफिक लुक को। अलीगढ़ तहरीक के मकासद में कौन सा नहीं था? टू प्रिपेयर मुस्लिम्स अगेंस्ट हिंदूज। जामिया मिलिया इस्लामिया को कायम किया गया 1920 में। जामिया मिलिया इस्लामिया किसने कायम की? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। जामिया मिलिया में तालीम का जरिया था उर्दू। जामिया मिलिया में कुरान पाक का तर्जुमा कब बढ़ाया जाता था? स्टेज वन पर। जामिया मिलिया मुखालफत की वजह से मुसलमानों में मकबूल नहीं हो सकी, टू नेशन थ्योरी की वजह से। अंजुमन हमायत इस्लाम किस शहर में कायम हुई? लाहौर।
अंजुमने हमायत इस्लाम कायम हुई 1884 को। अंजुमने हमायत इस्लाम के बानी थे खलीफा काजी हमीदुद्दीन। निदावर उलमा कब कायम हुई? 1894। नदावतुल उलमा किस शहर में कायम हुई? लखनऊ। नदावतुल उलमा के पहले मुंतजिम कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली महंगेरी। किस पॉलिसी के तहत ओपन यूनिवर्सिटी का क्याम अमल में लाया गया? 1972 की पॉलिसी। चार्टर्ड एक्ट कब पेश किया गया? 1813। चार्टर एक्ट 1813 के मुताबिक तालीम किसकी जिम्मेदारी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए तालीमी मकसद के लिए मुख्तसिब रकम कितनी थी? 1,00,000। चार्टर्ड एक्ट के मुताबिक तालीम का मकसद क्या था? प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी। चार्टर एक्ट के मुताबिक तालीम का जरिया क्या था? इंग्लिश। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट की तजदीद की गई थी 1833 में। ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट लागू नहीं कर सकी 10 साल तक। लॉर्ड मैकाले बेंटिक रेजोल्यूशन पास किया गया 1835 में। लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट में कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है? रिवाइवल ऑफ एस्टर्न नॉलेज। लॉर्ड मैकाले के मुताबिक तालीम का एक मकसद था टू प्रोड्यूस क्लर्क्स। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब पेश किया गया? 1854। 1857 में वुड डिस्पैच के तहत यूनिवर्सिटी कायम की गई बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। पंजाब यूनिवर्सिटी कायम की गई 1882। हिंदुस्तानी तालीमी कमीशन किसकी सरबराही में कायम किया गया था? विलियम हंटर। नसाब क्या है? ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। नसाब अहम आंसर हासिल करने में मदद करता है। ऑब्जेक्टिविटी। पाकिस्तान में नसाब की मंसूबा बंदी और तरक्की के लिए जिम्मेदार कौन है? करिकुलम विंग। हमारे मौजूदा निजाम में इम्तिहान के जरिए कौन से मकसद की तशखीस नहीं की जा रही? अफेक्टिव। नसाब की नौयत मुदरजा ज़ैल में से कौन सी है? ऑल ऑफ दीज, जिसमें कंजर्वेटिव, क्रिटिकल और क्रिएटिव तीनों शामिल हैं। नसाब रहनुमाई फराहम करता है स्टूडेंट्स की। सिलेबस एक हिस्सा है कुरिकुलम का। ए बी एड्स के फायदे हैं तमाम। क्रिएट इंटरेस्ट, रिड्यूस वर्बलाइजेशन, स्टिमुलेट सेल्फ एक्टिविटी। मुख्तलिफ सतह पर मजामीन का रिश्ता फैलाता है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। किसी खास मजमून में शामिल मौजू के अनवानात का खाका फैलाता है सिलेबस। एक ही क्लास में मुख्तलिफ तसव्वुरात के लिए इस्तेमाल निसाब होता है हॉरिजेंटल। निसाब का ज्यादा जोर किस
किस बात पे होता है? चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर्स। निज़ामे तालीम में निसाब की अहमियत ऐसे ही है कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री की तरह। निसाब होना चाहिए, अचीव द ऑब्जेक्ट्स एंड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। नसाब अकासी करता है सोसाइटी की। नसाब के अज्जा हैं ऑल एवेल्युएशन ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज, मखसूस डिजाइन के इंतखाब से मुतासर होता है फाउंडेशन। होनहार तालब इलम की जहानत की सतह है 140 या उससे ऊपर। जामे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नसाब को इस तरह बयान करती है, चैरोड रेस कोर्स, ये रोमन की एक रेस होती थी जो एक बैजवी शक्ल में घोड़ों को दुराने से मुकम्मल होती थी। एक क्लास के लिए मजामीन के तफसीली मवाद को कहा जाता है कोर्स। मुशाहिदा के जरिए हासिल करदा इलम की फीसद है 75। इस बुनियाद पर मौजूदा सरगर्मियों और तजर्बे की मनसूबाबंदी की जाती है, उसे कहा जाता है डिजाइन। सुमेटिव तशखीस की जगह एट द एंड। मुनासिब निसाब के बगैर तालीम का मकसद कांट बी अचीव्ड। निसाब के कितने बुनियादी अज्जा हैं? 4। निसाब की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑल, इसमें फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, समेटिव एवेल्युएशन और डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन शामिल है। क्लासरूम में क्या हो रहा है कैसे मालूम करना? ऑब्जर्वेशन से। कब, क्या, क्यों और कैसे, किस तदरीस का बुनियादी काम है? साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी। नसाब की तरक्की को मुतासर करने वाली कुफ्तों को क्या कहा जाता है? फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। फलसफा और निसाब का तल्लक किस सवाल से है? पर्पज ऑफ लाइफ से। निसाब की फलसफियाना बुनियाद का तल्लक क्या है? आइडियाज। तुलबा की जरूरियात और दिलचस्पियां कब देखी जाती? साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन घूमता है कंटेंट पर। नसाब की तैयारी के लिए फ्रेमवर्क होता है करिकुलम डिजाइन में। इलम लाजमी है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में। मनसूबाबंदी किस में की जाती है? सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में। रट्टा एक खामी है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम की। प्राइमरी क्लास के लिए नसाब पर जोर दिया गया है इंटीग्रेटेड करिकुलम पर। मरबूत निसाब का मकसद क्या है? डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को कायम किया गया था 2002 में। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को कायम किया गया था 1964
74 में नसाब के बारे में अहम फैसला करना है करिकुलम एवेल्युएशन। सभा की मंसूबा बंदी का सबसे अहम जुज है ऑब्जेक्टिव्स, मकासद पर हसूल का जरिया क्या है, एक्शन। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हाफिज़।